क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन, सेड बाय आइंस्टाइन। दोस्तों, ये मेरी मल्टीपल इंटेलिजेंस वीडियो सीरीज है। मैंने मेरे पहले दो वीडियोस में 4 टाइप्स के इंटेलिजेंसेस के बारे में बात की, जैसे लॉजिकल है, लिंग्विस्टिक है, इंटरपर्सनल है और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इनके बारे में मैंने बात की। आज मैं आपको 2 नए इंटेलिजेंसेस के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे क्रिएटिविटी का पार्ट है। पहला है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिन लोगों का म्यूजिकल इंटेलिजेंस डोमिनेंट होता है या हाई होता है, उनको साउंड, रिदम, पिच, टोन, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, उसकी एक अच्छी समझ होती है। और इन लोगों को गाने सुनना या अलग अलग टाइप का म्यूजिक सुनना, वो भी उनको अच्छा लगता है। अगर हम देखेंगे, जब भी हम कोई म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी जो इमोशंस है, हमारी फीलिंग्स है, हम उसको एसोसिएट करते हैं जिन लोगों के साथ कि उनके प्रति हमें कुछ फील होता है। जैसे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं या फिर हमारे कलीग हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो सेल्फिश लव, सेल्फिश फीलिंग्स एंड इमोशन से रिलेटेड है। अगर हम एग्जांपल देखेंगे कि जो म्यूजिशियंस है, वो सिंगर्स है या फिर रैपर्स है या म्यूजिक कंपोजर है, इन लोगों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत डोमिनेंट होता है। और दूसरा है विजुअल इंटेलिजेंस। जिन लोगों में विजुअल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, उनका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब ये जो लोग होते हैं, वो किसी भी चीज़ की मेंटल इमेज जल्दी बना लेते हैं। और इन लोगों को डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट साइजेस है, शेप्स है, स्पीड है, डिस्टेंस है, इसकी एक अच्छी समझ होती है। और ये जो लोग होते हैं, वो किसी भी चीज़ को एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ वो देख सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखेंगे कि जो फैशन डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है या फिर जो फोटोग्राफर है, पेंटर्स है, इन लोगों में विजुअल इंटेलिजेंस या फिर इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं उसको, ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत डोमिनेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो आइंस्टाइन है या पिकासो है, इन लोगों का इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग था और इसी के वजह से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पिकासो ने पेंटिंग्स बनाई। आइंस्टाइन ने बिकॉज ऑफ द इमेजिनेशन डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन है या फिर अलग अलग टाइप के रिसर्च उसने की। तो दोस्तों, जिन लोगों का ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस और विजुअल इंटेलिजेंस हाई होता है, इनका क्रिएटिविटी कोशेंट भी बहुत हाई होता है। और इन लोगों ने जो करियर है वो ऐसे क्रिएटिव फील्ड में ही करना चाहिए या फिर आर्टिस्टिक फील्ड में ही करना चाहिए, तभी उनका जो इंटेलिजेंस है वो अच्छे से यूज होगा और वो उस फील्ड में एक अच्छे तरीके से अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं या एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपके इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा डोमिनेंट इंटेलिजेंस कौन सा है, क्या मैं राइट करियर में हूँ कि नहीं हूँ, इसके अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट टू नो योर डोमिनेंट इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, मेरे जो वीडियोज़ है उसको देखते रहिएगा, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मैंने ऊपर लिंक दी है मेरे यूट्यूब चैनल की, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।